मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। धर्म शिक्षा में हर रोज की तरह एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आज का संपूर्ण राशिफल लेके। आज है शनिवार 4 जनवरी 2020। अगर हिंदी कैलेंडर यानी कि अपने पंचांग की बात करें तो आज है विक्रम संवत 2076 पौष मास शुक्ल पक्ष की नौवीं तिथि, जो कि आज रात के 10:55 तक रहने वाला है। उसके बाद दसवीं तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र आज रहेगा रेवती, जो कि सुबह के 8:15 तक रहने वाला है। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। व्रत त्यौहार में आज ऐसा कुछ नहीं है। मित्रों आज के संपूर्ण राशिफल में हम जानने वाले हैं कुल 12 राशियों का आज का राशिफल। साथ ही हम जानेंगे आज का शुभ समय, अशुभ समय, दिशाशूल, शुभ खाद्य, भाग्यवर्धक उपाय, राशि अनुसार क्या खाद्य पदार्थ आपके लिए अशुभ रहेगा तथा राशि अनुसार कौन सा रंग आपके लिए शुभ रहने वाला है। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और संपूर्ण राशिफल का लाभ उठाएं। जिन मित्रों को भी अभी तक अपनी सही राशि पता नहीं चल पाई है वे हमें कमेंट बॉक्स में ठीक इसी प्रकार से अपना पूरा विवरण लिख के दें, जिसमें कि आप हमें बताएंगे अपने जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान ठीक इसी प्रकार से, ताकि हम आपकी कुंडली को देख पाएं और आपको बता पाएं कि आपकी सही राशि क्या है और आप अपना सटीक राशिफल हर रोज धर्म शिक्षा चैनल पर देख पाएं। मित्रों अगर आपको हमारा आज का ये राशिफल का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया में जय माता दी लिखें। अगर आपके कुछ सुझाव हो तो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर निश्चित तौर पर बताएं। मित्रों आज के 12 राशि का राशिफल आपको बताना आरंभ करूं इससे पहले आइए जान लेते हैं आज ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है, क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति होती है पूरा का पूरा राशिफल उस पर निर्भर करता है। आज चंद्रमा मेष राशि में, राहु मिथुन राशि में, मंगल वृश्चिक राशि में, बुध सूर्य गुरु शनि केतु एक साथ धनु राशि में, शुक्र आज मकर राशि में है। तो इन्हीं सभी ग्रहों का मिला लाल आज के राशिफल में हम जानने वाले हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि में चंद्रमा आज प्रथम स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप जो तक नौकरी करते हैं उनको अपने से बड़े अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। आज आप मधुरवाणी बोलिए, मीठा बोलिए, आपके सारे काम बनते रहेंगे। आज के दिन आपको अपने पिता का भरपूर सहयोग भी प्राप्त होगा, आपका साथ ही मनोबल भी बना रहेगा। आज आपको सलाह दी जाती है कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, किसी से भी अपने दिल की बात शेयर ना करें, खास करके ऐसी कोई बात जो आपको हानि पहुंचा सकता हो। बात करें व्यापार और धन की तो आर्थिक दृष्टि से आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज नए व्यापार के लिए भी अच्छा दिन है, व्यापार में आपको लाभ होगा, आमदनी आपकी बढ़ेगी, साथ ही बचत भी आपकी आज बढ़ती हुई नजर आ रही है। आय के नए स्रोत विकसित करने में भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी, नए वस्त्र और आभूषण खरीदने के योग आपके लिए बन रहे हैं। बात करेंगे विद्यार्थी की तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ा नकारात्मक रह सकता है, आपको आलस्य और निद्रा आ सकती है, तो आलस्य और निद्रा का त्याग कर इन दोनों पर विजय पाएं और अपने पढ़ाई पर ध्यान लगाएं। बात करेंगे स्वास्थ्य की तो आपका स्वास्थ्य आज सामान्य रहेगा, लेकिन अपने पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनका स्वास्थ्य आज थोड़ा डगमगा सकता है। बात करेंगे प्रेम संबंध की तो पति पत्नी के बीच आज किसी प्रकार की गलतफहमी दूर हो सकती है, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा। आज के दिन केला खाते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा, आपके लिए आज का शुभ रंग नीला रंग। बात करेंगे वृष राशि की, वृष राशि में चंद्रमा आज दूसरे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के योग आपके बन सकते हैं, आपकी कोई महत्वाकांक्षा आज पूरी हो सकती है। आज के दिन आप अपने कार्य में व्यस्त रह सकते हैं, किसी फालतू के काम के कारण भी आपका समय आज बर्बाद हो सकता है, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें, अपना समय अपने कार्य क्षेत्र में ही लगाएं। आज आपके लिए स्थिति अनुकूल रहेगी, आज आप अपने मन की करने की भी कोशिश करेंगे। बात करें वृष राशि के व्यापार और धन की तो व्यापार में जोखिम लेने से आपको बचना होगा, किसी को अगर आपने पैसे उधार दे रखे हैं तो वहाँ से भी पैसे मिल सकते हैं आपको। जो ज़्यादा दलाली का काम करते हैं उन्हें आज नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, आज आपका खर्च आपके आय से अधिक हो सकता है। बात करेंगे विद्यार्थी की तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मध्यम रहने वाला है, मेहनत से कम सफलता की प्राप्ति आपको होगी, फिर भी मेहनत में किसी प्रकार की कमी आज ना रखें। स्वास्थ्य की बात करें तो किसी पुराने रोग से आपको छुटकारा मिल सकता है, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। बात करेंगे प्रेम संबंध की तो आज अपने जीवन साथी के व्यवहार से सावधान रहें, अचानक से कोई प्रतिक्रिया देने से बचें, इससे रिश्तों में खटास उत्पन्न भी हो सकती है। आज के दिन हरी सब्जियां खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा, आपके लिए आज का शुभ रंग काला रंग।
बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि में चंद्रमा आज तीसरे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, जिसके कारण आपको कार्यों में सफलता की प्राप्ति भी होगी। ऑफिस के कुछ महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी आज आपको मिल सकती है। आज अगर आप अच्छी योजना बनाकर कड़ी मेहनत करेंगे तो आपको सफलता की प्राप्ति निश्चित तौर पर ही होगी। आज जो भी कार्य करें बिल्कुल धैर्यपूर्वक करें, दिन भर आपका मन खुश रहेगा। संतान की तरफ से भी कुछ अच्छी खबर आपको आज मिल सकती है। आज अगर घर में कोई धार्मिक कार्य करेंगे तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। धार्मिक कार्य अगर करने का कोई भी अवसर मिले तो निश्चित तौर पर करें, इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बात करेंगे मिथुन राशि के व्यापार और धन की, तो आय के स्रोतों में बढ़ोतरी होगी, नौकरी में भी तरक्की की संभावना बनेगी, लेकिन साथ ही ऑफिस में विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। वस्त्रों के खरीद में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, लेकिन अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो परिवार में खुशहाली का वातावरण भी बना रहेगा। बात करेंगे विद्यार्थी की, तो जो अब तक मेडिकल के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है, उनको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। प्रेम संबंध की बात करें तो अपने जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखें, आज आपके जीवन साथी ज़्यादा भावुक भी हो सकते हैं। आज के दिन अगर चांदी के बर्तन में खीर खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा, आपके लिए आज का शुभ रंग आसमानी रंग। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि में चंद्रमा आज चौथे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपके सोचे हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। साथ ही आपके कोई परिजन नाराज भी आज किसी बात से आपसे हो सकते हैं। आज अपने वाहन को चलाते समय भी सावधानी बरतें, क्योंकि आपके दुर्घटना के योग भी बन रहे हैं। आज आपकी भावनाएं भी आप पर हावी हो सकती है, जिससे आपके बने हुए काम भी आज बिगड़ सकते हैं। तो अपनी भावनाओं को बिल्कुल नियंत्रण में रखें और अपना ध्यान अपने कार्य पर लगाएं। नए वाहन खरीदने का मन आपका बन सकता है। मकान भूमि इनकी जिन जातकों को तलाश है उनकी तलाश आज पूरी हो सकती है। जो जातक खेलकूद से संबंध रखते हैं उन्हें सफलता मिलेगी। महिला जातकों के लिए आज उन्नति का अच्छा अवसर भी बनेगा। बात करेंगे व्यापार और धन की, तो व्यापारियों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। निवेश करेंगे तो फायदे में रहेंगे। पैतृक संपत्ति मिलने के योग आपके लिए बन रहे हैं। महिला जातक को आज आय में वृद्धि होगी। बात करेंगे विद्यार्थी की, तो जो अब तक मेडिकल के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का समय अच्छा रहने वाला है, सफलता उनको मिलेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपके सिर में थोड़ा दर्द रह सकता है, लेकिन कुल मिलाकर आपका स्वास्थ्य आज बढ़िया रहेगा। बात करेंगे प्रेम संबंध की, तो आज जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम आपका बन सकता है और यह आपके प्रेम संबंध के लिए अच्छा भी रहेगा। आज के दिन मसूर की दाल खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा, आपके लिए आज का शुभ रंग नीला रंग। बात करेंगे अब सिंह राशि की। सिंह राशि में चंद्रमा आज पांचवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आप घर तथा ऑफिस दोनों की जिम्मेदारियां अच्छे से निभा पाएंगे। आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आज आपका ज्यादातर समय आपके शुभचिंतकों के साथ बीतेगा। किसी से आपको कुछ उपहार भी मिल सकता है। कहीं यात्रा पर जाने के योग भी आपके बन सकते हैं। किसी पर भी आज अपनी बात थोपने की कोशिश ना करें, इससे आपको नुकसान उठाना भी पड़ सकता है। बात करेंगे सिंह राशि के व्यापार और धन की, तो आज आपको व्यापार में कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ सकता है। बड़े निवेश करने से बचें। जो जातक नौकरी कर रहे हैं उनके लिए आज का समय अच्छा रहने वाला है। नौकरी में परिवर्तन की संभावना भी बन सकती है। साथ ही उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। आपकी आय में भी वृद्धि होगी। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। मेहनत करें, सफलता की प्राप्ति आपको होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो पेट संबंधी कुछ दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। आज मसालेदार खाने और बाहर के खाने से बचें, इससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। बात करेंगे प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। जीवनसाथी का सहयोग और प्यार आपको मिलेगा। जीवनसाथी के सहयोग से आपके काम भी बनेंगे। आज के दिन अगर हरी सब्जियां खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा, आपके लिए आज का शुभ रंग ब्राउन कलर। बात करेंगे अब कन्या राशि की। कन्या राशि में चंद्रमा आज छठे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपके कोई राज सार्वजनिक हो सकते हैं। तो सचेत रहें, किसी पर भी आक्रामक होने के बजाय शांति से काम लें। आपके दोस्तों का सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। परिश्रम ज़्यादा करना पड़ सकता है आपको। आज वाहन को चलाते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए आपको। बात करेंगे कन्या राशि के व्यापार और धन की, तो आज आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। बच्चों से जुड़े मामले में अगर पॉजिटिव रहेंगे तो आपको फायदा भी होगा। व्यापार में आज आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी।
बात करें कन्या राशि के विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जो विद्यार्थी कॉमर्स के फील्ड के हैं उन्हें मेहनत से ज़्यादा फल की प्राप्ति भी होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो महिला जातकों को अपने स्वास्थ्य के प्रति आज सचेत रहना होगा। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। बात करें प्रेम संबंध की, तो आज अपने जीवन साथी को समय दे पाएंगे। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम भी आपका बन सकता है और यह आपके प्रेम संबंध के लिए अच्छा भी रहेगा। आज के दिन गेहूं से बनी हुई चीजें खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग नीला रंग। बात करेंगे तुला राशि की, तुला राशि में चंद्रमा आज सातवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आप अपने कामों में व्यस्त रहेंगे। आज आप पर काम का लोड ज्यादा रह सकता है। आज अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखें, यह क्रोध आपको हानि भी करा सकता है। बेरोजगार जातकों को किसी मित्र के सहयोग से आज नौकरी लग सकती है। परिवार के किसी विशेष चिंता का समाधान भी आज हो सकता है। सरकारी कार्यों से आपको सफलता भी मिलेगी। बात करेंगे तुला राशि के व्यापार और धन की, तो व्यापार में नई योजना बन सकती है जिससे आपको फायदा होगा। आज आप लेन देन में सावधानी बरतें। अगर निवेश करना हो तो निवेश अनुभवी लोगों के सलाह और विचार से ही करें। बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों का मन आज पढ़ाई पर कम लगेगा। कुछ विद्यार्थी आज अपने परीक्षा परिणाम से असहमत भी रह सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो सांस से संबंधित कुछ परेशानी आपको रह सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्रेम संबंध की बात करें तो आज जीवन साथी से कुछ अनबन होने की संभावना आपकी बन रही है, तो अपने आप पर नियंत्रण भी रखें और संबंध अच्छे बना के रखने का प्रयास करें। आज के दिन अगर तांबे के बर्तन में पानी पीते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग काला रंग। बात करेंगे वृश्चिक राशि की, वृश्चिक राशि में चंद्रमा आज आठवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप बात करने की आपकी कला से आपके रुके हुए और फंसे हुए काम आज बन सकते हैं। सीधी बात कहेंगे तो आपको फायदा होगा। नए कामकाज की प्लानिंग भी हो सकती है। आज के दिन अगर किसी दस्तावेज पर आप हस्ताक्षर करते हैं तो बिल्कुल सोच समझ कर करें। परिवार या फिर पैसे से जुड़ी हुई परेशानियां भी आ सकती है। मन में घबराहट भी रह सकती है। विवादों से आपको आज बचना चाहिए। बात करेंगे व्यापार और धन की, तो व्यापार में आज उतार चढ़ाव आ सकता है। खर्च आपका बढ़ेगा, साथ ही पैसे की दिक्कत भी बनी रह सकती है। बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों के लिए आज कुछ सीखने का अच्छा अवसर बनेगा। वाणिज्य के विद्यार्थियों के लिए सफलता के योग भी बनेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक अशांति बनी रह सकती है। किसी प्रकार की चिंता आज रह सकती है। थकान और आलस्य भी बना रहेगा। बात करें प्रेम संबंध की, तो जीवन साथी के साथ आपका दिन आज अच्छा बीतेगा। जीवन साथी से सम्मान और प्यार आपको मिलेगा। आज के दिन अगर गुड़ अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग भूरा रंग। बात करेंगे धनुराशि की, धनुराशि में चंद्रमा आज नौवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती है और आप इस बढ़ी हुई जिम्मेदारी का निर्वाह भी अच्छे ढंग से कर पाएंगे। आसपास के लोग आपकी तारीफ इस वजह से करते हुए दिखेंगे। मकान या काम करने के जगह के विषय में बदलाव का मन आपका हो सकता है। आपका पूजा पाठ में भी आज मन लगेगा। वाहन या जमीन खरीदने के योग भी बन सकते हैं आपके लिए। आज आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। जो जातक कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए विदेश यात्रा के योग भी आज बन सकते हैं। बात करेंगे अब धनु राशि के व्यापार और नौकरी की, तो व्यापार या नौकरी में आज आपको फायदा होगा। कहीं अगर आपने अपने पैसे निवेश कर रखे हैं तो वहां से पैसे आपको मिल सकते हैं। बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। कुछ अध्ययन करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें आज ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो सांस से संबंधित कोई बीमारी या मौसमी रोग होने की संभावना बन रही है, तो सावधान रहें। आज आपकी मानसिक शांति भी अस्थिर रह सकती है। बात करें प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। जो जातक अविवाहित है उनके लिए विवाह का प्रस्ताव या विवाह का योग आज बन सकता है। आज के दिन अगर दूध से बनी हुई चीजें खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग काला रंग। बात करेंगे मकर राशि की, मकर राशि में चंद्रमा आज दसवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपकी रहन सहन की स्थिति में सुधार लाने के आपके विचारों को समर्थन मिल सकता है। कुछ सामाजिक कार्य करने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। आज आप अपना काम जितनी भी विनम्रता से करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी से भी वाद विवाद आपके आज हो सकते हैं। साथ ही आपके यहाँ किसी मेहमान का आगमन भी आज संभव है। आपके बच्चों का सहयोग आज आपको भरपूर मिलने वाला है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी आज मुलाकात भी हो सकती है। लंबी यात्रा करने से बचें। बात करेंगे आप व्यापार और धन की, तो आपकी आय में बढ़ोतरी होगी।
साथ ही खर्च भी आपके बढ़ेंगे। आपके बचाए हुए पैसों में भी कमी आज आ सकती है। बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों को आज थकान और आलस्य महसूस हो सकता है। इन दोनों पर विजय पाने की कोशिश करें, आपको सफलता की प्राप्ति भी होगी। बात करेंगे स्वास्थ्य की, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पेट संबंधी छोटी मोटी बीमारियों से आज पीड़ित रह सकते हैं, गैस हो सकता है, तो बाहर के खाने से बचें, इससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। बात करेंगे प्रेम संबंध की, तो आज अपने जीवन साथी को ज़्यादा समय दे पाएंगे, कहीं घूमने जाएं, इससे आपके संबंध भी बेहतर होंगे। आज के दिन अगर उड़द की दाल खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा, आपके लिए आज का शुभ रंग नीला रंग। बात करेंगे कुंभ राशि की, कुंभ राशि में चंद्रमा आज 11वें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप परिवार में लड़ाई झगड़े का माहौल बन सकता है, तो आपस में सामंजस्य बनाए रखें। मित्रों का सहयोग भी आपको भरपूर मिलेगा। आज आप अपने मन की बात किसी से शेयर ना करें। आज हो सकता है आपकी गतिविधियों पर कोई और भी नज़र रख रहा हो, तो सावधान भी रहें। अपनी हर रोज की आदतों से आज बचें। माता पिता का आज आपको भरपूर सहयोग भी मिलेगा। बात करिए व्यापार और धन की, तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ भी मिलेगा। आपका आर्थिक बजट आज थोड़ा डगमगा सकता है, तो अपने खर्चे पर नियंत्रण रखें। आज आपके खर्च ज़्यादा हो सकते हैं। बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों का मन आज पढ़ाई में लगेगा। जो विद्यार्थी मेहनत करेंगे उन्हें सफलता की प्राप्ति भी जरूर होगी। स्वास्थ्य की बात करें, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। सुबह सुबह अंकुरित अनाज खाएं, इससे आपका पेट साफ रहेगा, स्वस्थ भी रहेंगे। प्रेम संबंध की बात करें, तो प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। जीवन साथी से कुछ वाद विवाद आपके हो सकते हैं, तो आज के दिन थोड़ा संभल कर बोलें, मधुरवाणी बोलें, विवादों से बचें। आज के दिन अगर चांदी के बर्तन में खीर खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा, आपके लिए आज का शुभ रंग सुनहरा रंग। बात करेंगे मीन राशि की, मीन राशि में चंद्रमा आज 12वें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज के दिन आप अपने कैरियर में बदलाव करने का विचार भी कर सकते हैं। आज का बनाया हुआ योजना आपको आने वाले दिनों में सफलता की प्राप्ति भी करा सकता है। जो यहाँ तक मकान या भूमि खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी खोज आज पूरी हो सकती है। आज पूरे दिन आप अपने पारिवारिक काम में भी व्यस्त रहेंगे। धार्मिक कार्य और पूजा पाठ में भी आपका मन आज लगेगा। आज आपको आपके मित्रों का भरपूर सहयोग भी प्राप्त होगा। बात करेंगे व्यापार और धन की, तो कहीं पैसे निवेश करते समय आज के दिन थोड़ी सावधानी बरतने की आपको ज़रूरत है। तो कहीं भी अगर निवेश करना हो तो बहुत ही नियोजित ढंग से करें, बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा करने के बाद ही करें। आज के दिन खर्च आपके बढ़ सकते हैं, साथ ही जमा किए हुए पैसों में भी कमी आ सकती है, लेकिन आय के स्रोतों में बढ़ोतरी भी संभव है। बात करें विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थीगण अपने बीते हुए समय में जितना भी मेहनत किए होंगे उसका फल आपको आज मिलेगा। स्वास्थ्य की बात करें, तो आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है, लेकिन आप अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ उनका स्वास्थ्य थोड़ा डगमगा सकता है, तो उनका ध्यान रखें। प्रेम संबंध की बात करें, तो प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन मध्यम रहने वाला है। जीवन साथी के साथ कुछ हल्की नोकझोंक की संभावना भी बन सकती है, लेकिन बाद में सब कुछ सामान्य भी हो जाएगा। आज के दिन अगर दूध से बनी हुई चीज़ें खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा, आपके लिए आज का शुभ रंग आसमानी रंग। तो मित्रों, ये था आज के 12 राशि का राशिफल। अब जान लेते हैं आज का शुभ समय। आज का शुभ समय यानी कि गुलिका रहने वाला है सुबह के 7:14 से लेकर सुबह के 8:32 तक। इस समय कुछ भी नया कार्य आरंभ करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल रहने वाला है सुबह के 9:50 से लेकर 11:08 तक। इसमें कुछ भी नया कार्य आरंभ करेंगे तो उसमें आपको असफलता हाथ लग सकती है। दिशाशूल रहने वाला है पूर्व दिशा में किसी खास प्रयोजन से यात्रा ना करें। शुभ खाद्य आज का रहने वाला अदरक का छोटा टुकड़ा भी खाकर यात्रा आरंभ करेंगे, कुछ नया कार्य आरंभ करेंगे तो आपके कार्य आज बनेंगे। मित्रों, अब जान लेते हैं आज के भाग्यवर्धक उपाय को। मित्रों, आज दिन है शनिवार का और शनिदेव का दिन है ये। शनिदेव ऐसे लोगों पर प्रसन्न होते हैं जो कि जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करते हैं। तो ऐसे में अभी जैसे सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं, जिनके पास ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, ज़्यादा कंबल वगैरह नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति को कंबल का दान करें। इससे शनिदेव की कृपा बहुत ही जल्दी बनती है। तो मित्रों, ये था आज का संपूर्ण राशिफल। कल के संपूर्ण राशिफल के लिए जुड़े हैं धर्म शिक्षा के साथ, और देखते हैं धर्म शिक्षा। जय माता दी।